अनार कैसे दिए? 160 रुपए किलो बाबूजी। एक किलो बांध दे। मीठे तो होंगे ना? अरे बिल्कुल एकदम चीनी की तरह। एक काम कर, एक काट के दिखा। एकदम खट्टा है। पकड़ इसे, ये ले पकड़ अपने पास। मजा ही आ गया था। मैं कह रहा हूँ कल अनार कैसे दिए? 140 रुपए किलो बाबूजी। एक किलो डाल दे। अभी देता हूँ बाबू। सुन, मीठे तो होंगे ना? अरे एकदम चीनी की तरह बाबूजी। भैया रहने दे यार, कल वाले भी बिल्कुल खट्टे थे। अरे बाबूजी कल का माल कब का दिखा। अब तू एक काम कर, एक काट के दे। अरे बाबूजी आप भी हम पर शक कर रहे हैं, जब कह दिया मीठा है तो है। ये लो बाबू। अरे एकदम खट्टा है, पकड़ इसको यार। ये ले पकड़ अपने पैसे। क्या खट्टा माल दे रहा तू यार। समझ में नहीं आता यार तेरा क्या हो गया। तेरी बदतमीजी समझ में नहीं आई। अनार मीठे तो थे। तू नहीं समझेगा। मैं नहीं समझूंगा तो समझा ना। ऐसा है कि मुझे ये बता कि अनार कितने रुपए किलो? 140 रुपए किलो। और उस गरीब के लिए 140 रुपए बहुत ज्यादा है। वो इतना महंगा फल बेचता तो है लेकिन उसे खा नहीं सकता। तो मैं एक अनार खट्टा बता करके उसे दे आता हूँ ताकि वो उस अनार को खा सके। समझा? तू भी ना। चला भाई साहब, तो आदमी तेरे से अनार रोज ले जाता है, वो भी खट्टे बताता है, फिर भी तेरे से ले जाता है। भाई वो बहुत भला आदमी है, उसे पता है कि अनार कितने महंगे हैं और मुझ जैसा गरीब इसे खा नहीं सकता, इसलिए वो हर बार एक अनार कटवा करके उसे खट्टा बता करके मुझे दे जाता है ताकि मैं उसे खा सकूं। मैं भी पक्का दुकानदार हूँ, उसके तोल में हमेशा एक अनार फालतू ही डालता हूँ ताकि उस भले आदमी का नुकसान ना हो। आपके द्वारा की गई भलाई पर्वतों में बोली हुई उस आवाज की तरह होती है जो एक न एक दिन आपके पास लौट कर जरूर आती है।